the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सर मेरा नाम बलबीर सिंह राठौड़ है, आप फीतावास के रहने वाले हैं और अभी जो चुनाव चल रहे हैं इसमें हमारे दूसरे चरण में जो चुनाव होने जा रहे हैं इसमें फीतावास पंचायत नई पंचायत है ये दूसरी बार चुनाव हो रहे हैं। यहाँ जो कैंडिडेट हैं मैदान में ये करीबन फीतावास से 3 कैंडिडेट हैं, डाकबर से 4 के नाम आ रहे हैं। आज हमने नया नाम सुना एक और बंटी यादव का। अब इसमें हम ये और हमारा वोटर जो भी है, हम लोग वोटर हैं, हम ये सोच रहे हैं कि कौन कैंडिडेट बोल सकता है, कौन एजुकेशन में सक्षम है और कौन विकास का कार्य कर सकते हैं। इसके लिए हमें तुलना करनी पड़ेगी सभी कैंडिडेट्स के बारे में। अभी हमारे पितावास में जो 3 कैंडिडेट्स हैं, बावर जी उनकी बेटी बहू हैं, सूर्यांत की बहू हैं, गुजर हैं, इधर हमारे हनुमान जी मावलिया हैं, उनके भाई की बहू हैं। इनमें से तो हम लोगों ने अभी तक जो हमारे पिता से सोचा उसमें हनुमान जी हमारे मन में भाए हैं, वो इसलिए कि ये लोग बोल सकते हैं, वो बच्ची हमें भी हैं, पढ़ी लिखी हैं और वो बोल भी सकती है पंचायत के अंदर। जब तक पढ़ी लिखी शिक्षित बच्ची नहीं होगी तो वहाँ बोल नहीं सकेगी, 5 आदमी भी नहीं कर पाएंगे, ना विकास कार्य नहीं कर पाएंगे। 5 आदमी अगर कोई वार्ड पंच बुजुर्ग चुन के आ गए तो उनके सामने वो घूंघट निकाल के बैठ जाएगी तो बोल नहीं सकेगी। इन सब चीजों को देखते हुए बच्ची अभी तक ठीक है। अब जो नया नाम आया हमारे पास बंटी यादव का, तो बंटी यादव के फादर पहले भी सरपंच रहे हैं सन्ना डूंगर से, अनुभव है उनको और उनकी पकड़ भी है, वोटों में भी है, विकास के कार्य भी उन्होंने अच्छे करवाए थे उसे लालपुरा गांव में। तो अब इन दोनों में हमें तुलना करनी पड़ेगी आखिरी में। मेरा नाम खंगार है और मैं पितावा से बिलोंग करता हूँ। हमारे आमजन की यही सुविधा है, हमारे पास ना तो रोड की सुविधा है ना पानी की सुविधा है। 5 साल से जो पहले वाले जो सरपंच थे उन्होंने विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। पानी हमारे जैसे ही सरपंच यहाँ पे आके बैठे पानी हमारा बंद हो गया। आम जनता इतनी परेशान हो रही है कि टैंकरों से पानी भरवाना पड़ता है और हम ऐसे साफ छवि वाले व्यक्ति को यहाँ लाना चाहते हैं जो हमारे आम मुद्दों को उठाए और जन सुविधाओं को जल्दी से जल्दी हमारे पास पहुँचाए। तो अब आपकी नजर में यहाँ से जैसे सरपंच की दौड़ में काफी नाम आ रहे हैं तो आपका समर्थन किसके पक्ष में जा रहा है अभी? अभी तक जो है माहौल देख के लग रहा है तो अभी तक तो इंदिरा देवी की तरफ लग रहा है, जो अभी साफ छवि की भी है और उनको बोलने में भी बहुत बढ़िया है, व्यवहार भी उनका अच्छा है और काम कराने लायक भी है। तो आपका समर्थन यानी इंदिरा देवी मावलिया की तरफ जाता? हाँ जी, हमारा पूरा मत उनकी तरफ है और हम चाहते हैं कि वो भारी मतों से विजय होकर हमारे पंचायत में बैठे और विकास के कार्यों को तेजी दे। आपका नाम? मेरा नाम सुशील बांकड़ीवाल नाम है, मैं ग्राम पंचायत पिथावास में रहने वाला हूँ और मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारी जो अगला सरपंच बने वो इंदिरा देवी बने। उसका कारण क्या है इंदिरा देवी आप सरपंच? कारण सर यही है कि एक साफ छवि शिक्षित है और जो हनुमान जी मावलिया है वो एक दबंग भी आदमी है, कोई भी ईमानदार आदमी है और हमारी जो मांगे हैं वो मतलब चुनाव से पहले ही वो हमारी मांगे पूरी करने के लिए तैयार है लेकिन हमने इनके लिए मना कर दिया। अब आप ही देख लो सर, अगर वो हमारी चुनाव से पहले हमारी मांगे पूरी कर रहे हैं तो चुनाव के बाद में क्या क्या कर सकते हैं। बस आपका नाम? मेरा नाम मोहन लाल है साहब। और कहाँ? पितावास। अच्छा, क्या समस्या है आपकी यहाँ पे? आप पे समस्या तो बहुत होती है बाबा, अगला सरपंच पानी की समस्या बहुत होती है, पानी नहीं मिल रहा। सबसे बड़ी समस्या है पीने के पानी की, रोड कैसी भी हो चलेगा कुछ भी हो लेकिन वो पीने की जो समस्या है ना वो कोई हल नहीं कर रहा। तो अभी आपके यहाँ सरपंच के उम्मीदवारों में काफी लोग खड़े हुए हैं, काफी महिला है, तो आपका समर्थन किसके पक्ष में जाता है? समर्थन सुज्ञान गुजर है उनको है और गुजरों को हम समर्थन देते हैं और हमारी तरफ से हम वोट भी उन्हीं को डालेंगे ताकि वो अधिक से अधिक मतों से जीते और हमारे जो कार्य है उनको पूर्ण जल की व्यवस्था करवाए। सबसे बड़ी टीबे पे हो चाहे ग्रामीण क्षेत्रों चाहे हमारा गांव है जो प्रॉपर पीतावास है वहाँ पे भी सबसे बड़ी बात है पीने की समस्या है, पानी का कोई सोल्यूशन नहीं होता और 300 रुपये टैंकर हो रहा है पानी का जिसको हम 10 दिन भी नहीं चला पा रहे, पीने की समस्या है सबसे बड़ी बात। तो किशोर कुमार मौर्य। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है इस बार कौन सरपंच बनेगा यहाँ से? यहाँ से इंदिरा देवी सरपंच बनेगी। उसका क्या कारण है इंदिरा देवी का? जो उनके जेठ है हनुमान मौर्य जी उनका व्यवहार भी ठीक है और काम करने लायक आदमी भी है और वो भी एक पढ़ी लिखी ईमानदार है और
तो आप सब लोगों की यहाँ से, जैसे आप यही चाहते हैं कि आपके यहाँ की सरपंच बने और जो सरपंच बने वो यहाँ से पढ़ी लिखी हो, जो आपके यहाँ पे गांव का काम कर सके, विकास कार्य कर सके, और यहाँ से जो अभी हनुमान मावलिया की आप कह रहे हैं कि हनुमान मावलिया है, तो हनुमान मावलिया के कारण उनका यहाँ से प्रचार अच्छा हो रहा है, उनके कारण भी, और वो भी एक ठीक है। और हमने जो मांगे हैं हमारी भाई, इसमें यहाँ से पानी की जो व्यवस्था हो और रोड वगैरह जो भी बने, यानी आप विकास कार्य कराना चाहते हैं यहाँ से, तो उस विकास कार्य और इस यहाँ से जो पट्टे हैं ना, तो वो पट्टे मेरे जमीन के, क्योंकि बहुत साल हो गए, कम से कम 20-25 साल हो गए यहाँ मकान बने हुए हैं और पट्टे वगैरह भी।